हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की पूरी एक्सरसाइज, पूरी नहीं सॉरी आधी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आधी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब। क्या दिया है? वॉल्यूम और क्यूब दिया है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है, तो एल क्यूब। अभी देखो, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 × 10⁻², और उसका क्या करना पड़ेगा आपको? क्यूब, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी 10⁻⁶। बी, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों, हमें आंसर मिलीमीटर में लाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें रेडियस जो 2 सेंटीमीटर है उसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? मिलीमीटर में। और हाइट जो 10 सेंटीमीटर है उसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? मिलीमीटर में। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? पहले 2πr² + 2πrh, इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे? 2πr × r + h, सो 2 × 3.14 × 20, इन ब्रैकेट 20 + 100। सो इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, देन वी विल गेट आंसर 1.5 × 10⁴। ठीक है, याद रहे हमें क्या रखना है? 1.5 साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सी। What is given in the C? A vehicle moving with the speed 18 km per hour covers dash meter in 1 second. तो 18 km per hour को meter per second में convert करना है। जिसमें भी convert करना हो उसको divide कर दो। So let's solve it. 18 into kilometer है तो kilometer का कितना हो जाएगा? 1000 meter हो जाएगा, और नीचे जो second दिया है वो numerator में आ जाएगा, और नीचे मीटर और आर दिया है तो आर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सेकंड में। सो व्हाट आंसर यू विल गेट? सेकंड सेकंड गेट कैंसल्ड आउट, ओके, हियर 20 गेट कैंसल्ड आउट, ओके, मीटर मीटर कैंसल्ड आउट, 18 × 36 एंड 2 × 5 = 10, सो 5 m in 1 second। ठीक, ओके, now let us discuss D. What is given in the D? The relative density of the lead is 11.3. its density is °g/cm³ or °kg/m³। बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी देखो, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? 11.3। अगर वाटर की डेंसिटी अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखें तो वाटर की डेंसिटी 1 g/cm³ है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 11.3 g/cm³। और वही अगर हम वाटर की डेंसिटी अगर kg/m³ में रखना चाहे, ठीक है ना, सो ρr × ρw, सो 11.3 × 10³ kg/m³। सो व्हाट विल बी द आंसर? ओके, आई विल राइट लाइक दिस, 1.13 × 10⁴ kg/m³। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड एग्जांपल। मैं आपको क्या बोलता हूं कि बिफोर सॉल्विंग बाय माई सेल्फ यू शुड सॉल्व योर सेल्फ, ओके, यू शुड ट्राई। इसको पॉज करके एक बार आपको ट्राई करना चाहिए।
What is the first question? 1 kilogram meter square per second square is equal to dash gram centimeter square per second square. हमेशा याद रखिए आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट दिया है उसको न्यूमरेटर में लिखो और जो राइट हैंड साइड में दिया है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक? ओके, अभी सेकंड स्क्वायर कैंसल। किलोग्राम का क्या होता है? 1000 ग्राम, बच्चा बच्चा जानता है। और मीटर स्क्वायर का क्या होता है? 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सब बच्चे जानते हैं। और नीचे क्या दिया है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द आंसर? 10^7। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? ओके, अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लाइट ईयर? तो बच्चा आपको 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू पता होना चाहिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर। ये 9.46 है, इसको नियरली अगर हम 10 मान ले तो 10^16 मीटर हो जाएगा। तो इससे साफ निकलता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10^16 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं? 10^-16 लाइट ईयर, ठीक? ओके, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सी में क्या दिया है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? और हमें क्या उसमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो 3 × मीटर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ऊपर क्यों आया? देखो -2 है तो ऊपर आ जाएगा, और किलोमीटर है तो किलोमीटर का कितना? 1000 मीटर। और ये सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो नीचे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये मीटर कैंसिल हो गया। ओके, अभी 3 × 3600 × 3600 आर स्क्वायर है ना, इसलिए हमने उसको सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया बच्चों। डिवाइड बाय 1000 × सेकंड स्क्वायर, और यहां पर भी हम सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो व्हाट आंसर यू विल गेट इज 3.9 × 10^4। एक बार अपनी ओर से ट्राई करके देखिए। अभी डी देखेंगे, तो डी में क्या है? देखिए जी की वैल्यू दी है 6.67 × 10^-11। ये वैल्यू आपको आगे जाके भी बहुत यूज होगी। जी इज इक्वल्स टू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, डिवाइड बाय हमें क्या करना होगा? जो राइट साइड में यूनिट दिया है, क्या राइट साइड में यूनिट दिया है? देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। ओके, तो कैसे करें देखते हैं। देखिए 6.67 × 10^-11 है। पहले न्यूटन को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सीजीएस में। देखो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। तो यहां पर मैं पहले क्या लिख देता हूं? किलोग्राम। फिर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन का हो गया, फिर ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इतना लिख देते हैं। और नीचे क्या लिया है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है? तो देखिए ये पर सेकंड स्क्वायर इधर भी है और पर सेकंड स्क्वायर इधर भी है, तो पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है? फिर ये किलोग्राम है और किलोग्राम -1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम -1। ओके, और यहां पर देखिए ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो हम इसका कॉमनली क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। तो आइए मैं दूसरी बार लिखता हूं,
तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए 6.67 इंटू 10^-11 इंटू, अब ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, और पर किलोग्राम, ये ग्राम है तो ग्राम को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और ये पर किलोग्राम है तो किलोग्राम को नीचे डाल देते हैं, और यहां पर क्या रख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या, तो अब बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है, सब कुछ जानता है बच्चा बच्चा कि मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल, देखो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आप यहाँ पर क्यूब करते हो तो आपको यहाँ पर भी क्यूब करना होगा, मतलब कि 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो 1 मीटर क्यूब है इज इक्वल टू, मैं क्या रख देता हूं, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अभी किलोग्राम का आपको पता ही है 1000 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 6.67 इंटू 10^-8। क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10^-8। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। क्या दिया है देखिए, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 J, वेयर 1 J इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया है 1 J इज इक्वल्स टू। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स, ओह सॉरी यहां पर आएगा अल्फा, यूनिट ऑफ मास इज अल्फा किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू गामा सेकंड, ठीक है। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू क्या दिया है, बीटा मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या दिया है, गामा सेकंड। हमें देखो ये पूरी है ना, ये नई सिस्टम है, दिस इज अ न्यू सिस्टम। एंड व्हाट इज आस्क, शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2, ठीक है ना, यहां पर हमें कुछ शो करना होगा कैलोरी का मैग्नीट्यूड क्या कि 4.2। अभी अल्फा बीटा गामा वहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, 4.2 इंटू अल्फा, ठीक है ना, अल्फा किसका है, यूनिट मास का है, ठीक है ना, तो मास का हमें लिखना पड़ेगा α^-1, β^-2 एंड γ^2, α^-1 क्या हमें शो करना है, देखिए ऐसा 4.2 α^-1 β^-2 एंड γ^2, ऐसा हमें शो करना है नए यूनिट में, ठीक है। तो कैसे शो करें, बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ये जो है ये ऐसा ही है, और ये जो है ये न्यू सिस्टम है, ठीक है, हमें N2 फाइंड करना है। N2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, N1 U1 अपॉन U2, N1 कितना है 4.2। अभी ये एनर्जी है बच्चों, तो एनर्जी है इसीलिए डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t-2, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ऊपर हम कुछ का बात रखेंगे, u1 मतलब कि किलोग्राम, यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेकंड, जो हमारी पहले सिस्टम थी, और नई सिस्टम,
तो नई सिस्टम में मास कितना रखना है बच्चों, अल्फा किलोग्राम मास कितना रखना है, सॉरी लेंथ कितनी रखनी है हमें बीटा मीटर, और टाइम कितना रखना है गामा सेकंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एन टू इज इक्वल्स टू 4.2, देखिए किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, लेकिन अल्फा डिनोमिनेटर में है तो अल्फा रेस टू माइनस वन हो गया, यहाँ पर मीटर मीटर कैंसिल, लेकिन बीटा डिनोमिनेटर में है इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं बीटा रेस टू माइनस टू, और सेकंड सेकंड, अभी गामा डिनोमिनेटर में है लेकिन यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं गामा रेस टू टू। ओके इट इज वेरी सिंपल, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। अभी देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़िए, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल अ डायमेंशनली डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज अ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। सही बात है, किसी को हम बुद्धिमान या किसी को हम बेवकूफ नहीं बोल सकते, हमें उसको किसी के साथ कंपैरिजन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका, और एक बात और बोलूं, किसी को हम हॉट या किसी को हम कूल नहीं बोल सकते टेम्परेचर वाइज विदाउट कंपेयरिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मैं अपने आप को बोलूं कि मैं बहुत हेवी हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को अगर एंट के साथ कंपेयर करता हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट आई एम वेरी हेवी, लेकिन अगर मैं अपने आप को अर्थ के साथ कंसिडर करूं कंपेयर करूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं भैया बहुत हेवी हूं, व्हाट आई कैन से आई एम मच लाइट एज कंपेयर टू अर्थ। तो इसीलिए मतलब कि किसी को लार्ज और स्मॉल डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इन व्यू ऑफ दिस रीफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर एवर नेसेसरी, अगर जरूरी लगता है तो हम इसको रिफॉर्म करेंगे। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओके यहां पर जरूर लगता है, क्या करेंगे कंपेयर्ड टू अर्थ। ठीक ठीक है, ये आंसर वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड एज कंपेयर्ड टू बाइसिकल, बोल सकते हैं मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू एंट, एंट के कंपैरिजन में जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है। ओके फिर, एन एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, किसी के साथ यहां पर भी कंपेयर नहीं किया, एज कंपेयर्ड टू पर्सन इन द रूम, फॉर एग्जाम्पल एक रूम में पर्सन होंगे 40, लेकिन वहां पर पार्टिकल तो बहुत ज्यादा होंगे, आपको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही है, 1 मोल में तो बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं, तो वहां पर तो कितने सारी मोल एयर होगी। ओके कोई बात नहीं, चलो अब प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ओके ये कंपैरिजन ऑलरेडी किया है किसका, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ। बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे ना तो आपको नियरली 10^4 मिलेगा, मतलब क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स हेवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो सही है। ओके सो नो करेक्शन। फिर स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, ओके ये बात भी सही है। देखो मैं स्पीड ऑफ साउंड लिखता हूं 350 मीटर पर सेकंड इन एयर, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें हम बच्चों तो क्या है कि 3×10^8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन मतलब कि आप अगर करो तो क्या आएगा, देखिए 3×10^8 डिवाइड बाय 350 करते हो तो इसको 3.5 कंसीडर कर लो, चलो × 10^2 तो ये नियरली 1 हो जाएगा, 10^8/10^2 तो 10^6 इतने टाइम स्पीड ज्यादा है किसकी, लाइट की, किससे, साउंड से,
तो ये डायरेक्टली कंपैरिजन है, तो करेक्ट स्टेटमेंट था वो। ओके अब ये देखिए, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एक नया यूनिट चूज किया गया, सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वन यूनिट पर सेकंड, ऐसा बोला गया है ना। यूनिट बहुत बड़ा होगा और कितना होगा, 3 × 10⁸, वेरी सिंपल। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। बच्चों कंसीडर करो, ये कौन है सन और ये कौन है अर्थ। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है ना, इन द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, इस यूनिट में मेजर करना है। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर द डिस्टेंस। ओके देखिए बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी जितना डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। अभी बच्चों स्पीड तो क्या दिया है, वन दिया है यूनिट, वन यूनिट पर सेकंड, तो हम यूनिट पर सेकंड अभी नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस कवर तो हमें वो फाइंड करना है, चलो डी। और टाइम कितना है, 8 मिनट एंड 20 सेकंड। अभी 8 मिनट इज इक्वल टू 8 × 60 सेकंड, ठीक है, सो 6 × 8 = 48, सो 480 सेकंड, ठीक है। देयरफॉर 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड बोला ना, तो 480 + 20 इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, 500 बोल सकते हैं। ओके तो 500 यहां पर लिखेंगे, 500 सेकंड। तो डी इज इक्वल्स टू 1 × यूनिट पर सेकंड उसका था और इंटू क्या कर दिया, 500 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 500 यूनिट। किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अभी यूनिट इज इक्वल टू, अगर आप 9.46 × 10⁵ रख दोगे ना, एंड यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू। ओके कोई बात नहीं, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। पहले मैं आपको बोल दूं, ये आप नोट कर लीजिए, डिवाइस व्हिच हैज मिनिमम लीस्ट काउंट इज, ये ध्यान में रखना है क्या, मिनिमम लीस्ट काउंट इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस, ठीक। ओके पहला जो है, पहला क्या है, वर्नियर कैलिपर विथ 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। ये स्लाइडिंग स्केल मतलब कि वर्नियर स्केल, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मतलब कि स्लाइडिंग स्केल, ओके सॉरी 1 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। तो 1 mm मतलब कि क्या, 10⁻³, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल वो कितने होते हैं, 20, कितने हैं 20। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, 0.5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है, हमें एक का लीस्ट काउंट मिला। अभी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पिच कितनी है 1 mm और 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला देखिए, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन
सर्क्यूलर स्केल। तो पिच कितनी है बच्चों? 1 mm है और कितने डिविजन्स है? 100। तो क्या है ये? 10⁻³ होगा और अपॉन 100, तो 10⁻¹। हमने ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ में भी डिस्कस किया था बच्चों, शायद आपको याद होगा। ओके, और अभी तीसरा क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4 × अभी ये देखिए 1000 10³ में इसको लिख देता हूं और एंगस्ट्रॉम 10⁻¹ होता है, तो 4 × 10⁻¹ मीटर। ठीक है ना, ये हो गया उसका लिस्ट काउंट। अभी देखिए लिस्ट काउंट ऑफ थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज 4 × 10⁻¹। लिस्ट काउंट ऑफ दिस इज द 10⁻¹ एंड दिस इज द 10⁻¹। सो लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप इज लेस देन लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज लेस देन लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो हुज लिस्ट काउंट इज द मिनिमम? दिस वन। सो दैट विल बी द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। ओके, अगर हम देखें कौन सा मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस होगा, ठीक है ना, तो इसमें से ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसको हम क्या देंगे? मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस, ठीक है, इन तीनों में से। और अगर हम इसको देना चाहे तो ये क्या होगा? लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस। ठीक, ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। क्या बात है? लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, माइक्रोस्कोप बड़ा करके देता है, तो कितना बड़ा किया? कितने गुना बड़ा किया? 100 times। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इन द व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। मतलब कि ऑब्जर्वड विड्थ, What is the estimate of the thickness of hair? मतलब actual width. Actual width हमें find करनी है. बहुत simple है बच्चों. Magnification is equals to observed width upon actual width. क्यों? क्योंकि हमें पता ही है ना कि ऑब्जर्व विद मतलब कि एक्चुअल जो है उससे मल्टीप्लाई करके देता है, तो इसका मतलब अगर हमें एक्चुअल विड्थ चाहिए, एक्चुअल विड्थ इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व विद कितनी है? ऑब्जर्व विड्थ अपॉन क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन। सो 3.5 mm डिवाइड बाय 100। सो व्हाट शुड बी आवर आंसर? 3.5 × देखिए 10⁻³ हो जाएगा और 100, सो 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा किसका? एग्जाम्पल 7 का, या तो हम 0.035 ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं? 0.035 mm ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, You are given a thread and a meter scale. Okay, आपको क्या दिया गया? एक थ्रेड दी गई और एक मीटर स्केल। How will you estimate the diameter of thread? आपके पास क्या है? थ्रेड है और दूसरा क्या है आपके पास? मीटर स्केल है। ऐसी, ठीक है, ये थ्रेड है और ये मीटर स्केल है, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, wound the thread
tread on meter scale up to, मैं कब बोलता हूं, up to 1 centimeter. इस पर कैसे, मतलब कि ऐसे 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 आप बाउंड कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं? ओके, टाइटली. ओके, सोचिए, लेट देर आर एन टर्न्स इन 1 centimeter. 1 centimeter तक आते आते कितने टर्न्स हो गए यहां पर, ये देखिए, ये अगर सोचिए ये कितना है 1 centimeter, और यहां पर कितने टर्न हो गए एन टर्न्स. ठीक है, देयरफॉर विड्थ ऑफ थ्रेड इज इक्वल्स टू, कितना होगा, 1 centimeter अपॉन एन, मतलब कि 1/n cm. ठीक है ना, अपने आप खुद सोच के ही देख लीजिए. ओके, ये हो गया ए. अब बात करते हैं बी की. अ स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिवीजन. कितनी पिच है, 1 mm और 200 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द गेज arbitrarily by increase the number of division on the circular scale. देखिए, हमें पता है कि least count is equals to क्या है, pitch upon number of division on circular scale. अगर हम इसको increase करेंगे तो यह least count क्या होगा, decrease होगा. Therefore, precision increase होगा बच्चों. क्या increase होगा, precision. Okay. पर देखिए, बहुत सारे अगर हमने टर्न कर दिए तो उसको ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओके, ऑब्जर्वेशन बिकम्स डिफिकल्ट. ऑब्जर्वेशन करना क्या हो जाएगा बच्चों, डिफिकल्ट. ऑब्जर्वेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्यूरेसी में गेट डिक्रीज्ड. एक्यूरेसी में गेट डिक्रीज, क्यों, क्योंकि हम सही ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. 100 टर्न्स होते हैं फिर भी बच्चे ऑब्जर्वेशन करने में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर तो 200 डिविजन्स कर दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, ओके. फिर ये क्या हो गया बी. अभी सी क्या दिया है, द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर बाय वर्नियर कैलिपर. किसके द्वारा मेजर किया गया, वर्नियर कैलिपर के द्वारा. वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ अ डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड मोर रिलायबल एस्टिमेट देन सेट ऑफ 5 मेजरमेंट ओनली. तो ये बात समझ लीजिए, मोर मेजरमेंट, मोर मेजरमेंट इज इक्वल्स टू लेस एरर. सोचिए, आपको ऐसा पता चला कि आपको डायबिटीज है. ठीक है, मैं नहीं चाहता आपको हो, लेकिन सोचो कि आपको ऐसा पता चला और आप डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए कि शुगर का लेवल कितना है. एक जगह गए तो आपको पता चला कि 350 है. आप डायरेक्ट क्या मान लोगे कि 350 हो गए. ओके, कोई बात नहीं, चलो आपने कंफर्म करने के लिए आप दूसरी जगह गए तो वहां पता चला कि 350 तो नहीं है भैया, वो एक्चुअली में 200 ही. फिर आप कंफ्यूज हो गए कि पहले 350 बाद में 200, तो दोनों में से सही कौन सा है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक थर्ड टाइम मेजरमेंट. ओके, और तब आपको ऐसा पता चला कि वो तो 230 है, तो आपका मतलब कि एक्यूरेसी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगा है अब. ठीक है ना, अगर आप 10 या 12 जगह पर चेक करोगे और उसका एवरेज लोगे तो आपको करीब करीब पता चल जाएगा कि हाँ भैया, नहीं मेरा शुगर लेवल इतना है. कहने का मतलब मेरा क्या था कि इतनी सारी जगह जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, पर हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पर जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे उतनी एरर रिड्यूस होगी बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि नहीं ये रिजल्ट ही आता है.
क्यों? देखिए इसमें जो रैंडम एरर आती है, ओके, इन मोर मेजरमेंट्स मे बी पॉसिबल दैट पॉजिटिव रैंडम एरर may get cancelled with negative random error. कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा शायद कि सोचो कि कल क्रिकेट मैच था और सचिन ने कुछ रन बनाए, सचिन तेंदुलकर ने, ऐसा सोचो, तो हम पूछेंगे तो एक बोलेगा 99 बनाए, एक बोलेगा 110 बनाए, एक्चुअली में 105 थे, 99 वाला रेंडम एरर और 110 वाला पॉजिटिव रेंडम एरर, तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेट कैंसल्ड आउट एंड मे पॉसिबल दैट यू विल गेट राइट आंसर. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज, मतलब कि हमें एक्यूरेसी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, ठीक है ना. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल COVID-19 में अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए कि कितने लोगों को हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा. ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9. क्या दिया है? फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 mm स्लाइड. व्हाट इज द एरिया ऑफ हाउस? एरिया ऑफ हाउस कितना है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. The slide is projected on the screen and the area of house on the screen. बच्चों ये किस पे था? स्लाइड पे. अभी एरिया ऑफ हाउस ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन पे कितना हमें मिला? 1.55 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? बच्चों हमें लीनियर मैग्निफिकेशन, देखो ये एरिया ओरिजिनल है, ठीक, और जब इसको प्रोजेक्टर की स्क्रीन के ऊपर देखा गया तब ये एरिया इतना बड़ा हो गया. तो एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड एरिया डिवाइडेड बाय रियल एरिया. ऑब्जर्व्ड एरिया कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1.55 इनटू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. बच्चों ये हमें एरियल मैग्निफिकेशन मिला, पर हमें तो चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन. तो लीनियर मैग्निफिकेशन is equals to under root of aerial magnification. Linear magnification is equals to क्या होगा? Under root of aerial magnification. तो हमें इसका under root निकालना पड़ेगा. किसका? 1.55 upon 1.75 into 10^4. अगर आप इसका under root निकालते हो तो आपको आंसर मिलेगा 94.1. ठीक, ओके, इट्स वेरी सिंपल. अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. ये बहुत बच्चों का फेवरेट एग्जाम्पल ऐसा होता है, सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें कितने होंगे? इसको तो नहीं गिनेंगे. अब ये नंबर लेस देन 1 है तो ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल. सो आंसर इज 1. इसमें आप आंसर देखिए 1, 2, 3 पावर नहीं गिना जाएगा. इसमें 1, 2, 3, 4 ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4 क्योंकि डेसिमल है इसलिए सारे गिनेंगे 1, 2, 3, 4. ओके, 1, 2, 3 नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, यहां तक नहीं गिनेंगे. सो व्हाट इज द आंसर? 4. बच्चों जब सिग्निफिकेंट का लेक्चर मैंने लिया था उस टाइम पर मैंने ऐसा बोला था कि अगर नंबर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट रहना चाहिए. सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा है कि यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है,
है ना, तो आप उसको नंबर कंसीडर कर रहे हो, लेकिन अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसी क्वांटिटी की बात करें या रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसका यूनिट नहीं होता। तो मे बी पॉसिबल कि आपको नंबर दिया हो और आपको पूछा हो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर ऑप्शन में इंफिनिटी नहीं दिया है, देन यू हैव टू कंसीडर द रूल्स। ओके, सो दैट आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई विथ यू। नाउ एग्जाम्पल 11, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। लेंथ क्या दी है बच्चों? लेंथ दी है 4.234 मीटर। ओके, ब्रेथ क्या दी है? ब्रेथ इज 1.005 मीटर। एंड थिकनेस, थिकनेस क्या दी है? 2.01 सेंटीमीटर। गिव द एरिया एंड अ वॉल्यूम टू करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी? 4.234 और ब्रेथ कितनी? 1.005। ठीक है, और फिर ठीक ना, वो जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी इंटू एच। तो सारी की सारी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है, लेंथ ब्रेथ हाइट वैल्यू रिप्लेस करना और फाइनल आंसर लेना, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन डिविजन में मैंने बोला था कि मिनिमम सिग्निफिकेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4। ओके, सो और एक बात मैं बोल दू, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं आना आएगा। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर अगर हम लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? हमें लेंथ इनटू ब्रेथ दो बार करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ इनटू हाइट दो बार करने का, फिर हाइट इनटू लेंथ ये भी दो बार। ओके, एंड बाय परफॉर्मिंग बाय पुटिंग दिस ऑल वैल्यू। ओके, ये वैल्यू प्लेस करने का तो बहुत इजी है, मतलब कि ये तो अभी बोलने की जरूरत नहीं है, टेंथ से आप सीख के आ रहे हो। लेकिन आंसर इसमें देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3। तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही चाहिए। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और जो मैंने हाइट लिखी है ना वहां पर आप थिकनेस कंसिडर कर लेना। ठीक है ना, अगर आप ये सारी वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपका आंसर मिलेगा 8.72 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट अगर ये रिप्लेस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.0855 मीटर स्क्वायर। 3 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए ना, 1, 2, 3। सो 1, 2 एंड 3। ओके, इट्स वेरी सिंपल। क्या दिया है देखिए, द मास ऑफ अ मेजर बाय अ ग्रोसर्स मास ऑफ अ बॉक्स। मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज इक्वल्स टू 2.3 किलोग्राम। 2.3 किलोग्राम। टू गोल्ड पीसीस ऑफ मास 20.15 ग्राम एंड 20.70 ग्राम आर एडेड टू बॉक्स। कितना मास ऐड किया गया? 20.15, और दूसरा कितना मास ऐड किया गया? 20.17 ग्राम। ओके, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? टोटल मास कितना रहना चाहिए बच्चों? एम टोटल इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉक्स प्लस मास ऑफ वन कॉइन प्लस मास ऑफ सेकंड कॉइन। ठीक है, पहले का मास कितना है? 2.3 किलोग्राम। अभी इसको ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम को किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो 0.02015 किलोग्राम आएगा, प्लस यहां पर कितना आएगा? 0.02017 किलोग्राम।
लेकिन एडिशन में हमने क्या बोला था, डेसिमल प्लेस देखना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस ये है। तो नियरली इसका आंसर कितना होगा, 2.3 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इन ये है किलोग्राम, यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद कितने पॉइंट है, 5, यहाँ पर 5 प्लेसेस है, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लेस है, तो हमें मिनिमम प्लेस में जाना है, तो नियरली कितना आएगा, 2.3 किलोग्राम। और अगर बात करें किसकी, द डिफरेंस ऑफ मास इज इन द पीसेस अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर, मास का डिफरेंस लेना है, तो इसमें से अगर हम ऐसा लेंगे डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन, मतलब कि 20.17 माइनस 20.15, तो देखिए 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, 0। तो यहां पर देखिए, यहां पर डेसिमल के बाद अगर 2 लेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन में यहां पर मिनिमम 2 जगह है, ठीक है ना, दोनों जगह है, मिनिमम 2 ही है, सो व्हाट विल बी द आंसर, 0.02 ग्राम। ठीक है, ओके, अब एग्जांपल और देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी, देखो आपको यह दिख रहा है, यहां पर पी इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, ए क्यूब बी क्यूब अपॉन रूट सी डी, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब अपॉन रूट सी डी। आपको पहले उसको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है रेज्ड टू 1/2, रूट का मतलब क्या है, रेज्ड टू 1/2। ओके, एक मैंने गलती कर दी थोड़ी सी बच्चों, क्या गलती कर दी, रूट सी इंटू डी होगा। ओके, तो मैं यहां पर ए क्यूब लिखता हूं, बी क्यूब लिखता हूं, ठीक है, या तो बी, देखो इस एग्जांपल में अगर बी क्यूब लिखा है तो यहां पर बी क्यूब लिखो, यहां पर कोई भी पावर दिया है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। सोचो फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर दिया है यहां पर स्क्वायर, तो आपको 2 लिखना होगा, लेकिन मैं यहां पर क्यूब लिख के ही आगे बढ़ूंगा और नीचे रूट सी डी पूरा लिख दूंगा। ओके, तो सी रेस टू 1/2 एंड डी रेस टू 1/2। अभी हमें पता है बहुत सिंपल एग्जांपल बच्चों, ये डेल्टा पी अपॉन पी अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, तो 3। और परसेंटेज एरर अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए, 100, क्या कर दीजिए, 100। अभी हमें सारे के सारे परसेंटेज एरर भी दी गई है, कितनी परसेंटेज एरर दी गई है देखिए, 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए बाय ए कितना है 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी, ये कितना दिया गया है 3%, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी, तो हाफ इंटू डेल्टा सी बाय सी, उसका परसेंटेज कितना दिया गया है 4, प्लस हाफ डेल्टा डी बाय डी, ये कितना दिया गया है 2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस 3 3 9 प्लस 2 प्लस 1, सो 9 प्लस 3 12 प्लस 2 13 प्लस 1 14, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 आएगा, सॉरी मैंने एडिशन में गलती कर दी, तो पी में कितने परसेंटेज एरर आई बच्चों, 15%, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर पावर अलग दिया है तो इस तरह इस मेथड से आप सॉल्व कर लो, ठीक है, एंड इजीली यू विल गेट द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट, क्या दिया है, देखिए 3.763 है ना, हमें डेसिमल के बाद एक पॉइंट है वही सही लगता है, ठीक है ना, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो 3. ये 6 है, 6 को राउंड ऑफ करना है, ये ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इसको प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 3.8, ठीक है। ओके, सो दिस इज द
आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बच्चों आज हम यहां तक रखते हैं, इन द नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।